नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं विवेका। बिहार में कोरोना की खतरा अब तेजी से बढ़ रही है। बिहार खतरे की ओर चल पड़ी है। कौन बचाए बिहार के लोगों को? न मेडिकल स्ट्रक्चर सही है, न अस्पताल में जगह, न ऑक्सीजन, न ही बेड, न ही वेंटिलेटर। ऐसी स्थिति में अब बिहार के लोगों को कौन बचाए, यह बहुत बड़ा प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। मैं अगर आपको बीते दिन के 24 घंटे की बात करूं, यानी मंगलवार की बात मैं अगर करूं, तो मंगलवार को 10,000 से ऊपर कोरोना मरीज 24 घंटे में मिले। अब मरने वाले की आंकड़े की बात अगर मैं करूं, तो 51 मरीज मर गए जो अस्पताल में इलाजरत थे, और जो गांव घर में यहां वहां मर गए उसकी गिनती नहीं मैं बता रहा हूं। जो सरकारी आंकड़े के हिसाब से मरने वाले की संख्या सामने आई 51, लेकिन बीमारी निकली 10,500, 50,000, 10,500 एक दिन में कोरोना मरीज मिलना, यानी बिहार पर जबरदस्त खतरा है। दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, छपरा, हर जगह मरीजों की संख्या में वृद्धि है। सबसे ज्यादा अगर खतरनाक स्थिति बनी हुई है तो पटना की। पटना में प्रत्येक दिन 500 से ऊपर मरीज मिलते हैं, 3,000, 2,000 के आंकड़े को छूता जा रहा है। बिहार के अंदर के लोगों को कोरोना का जबरदस्त खतरा है। इस खतरे को समझना होगा। बिहार के मेडिकल स्ट्रक्चर की स्थिति सही नहीं है। पीएमसीएच, एनएमसीएच सहित जितने भी अस्पताल हैं, बेड नहीं खाली है। तड़प कर लोग बाहर मर रहे हैं, ऑक्सीजन के अभाव में लोग मर रहे हैं, इलाज के बगैर लोग मर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कोरोना से बचना अति आवश्यक है। मैं बताऊं आपको कि कई अस्पतालों में यहां तक आरोप लगा कि अंग का तस्करी भी प्रारंभ कर दिया गया। रोते बिलखते परिजन की हालत देखकर दिल दहल जाता है। ऐसी स्थिति है, पैसे धरे के धरे रह जाते हैं, बचते नहीं है। मंत्री, पूर्व मंत्री मर गए। फिल्मी दुनिया के लेखक श्याम देहाती मर गए। कई ऐसे नामचीन लोग मर गए बिहार में, जिसकी इलाज ना हो सकी। बिहार खतरे को और तेजी से बढ़ रहा। 10,500 का आंकड़ा छूना एक दिन में कोरोना पीड़ित का, यानी खतरा जबरदस्त बिहार के लोगों को है। बचने के लिए मास्क लगाना है, दूरी बनाए रखना है, काम नहीं हो तो घर में रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और यहाँ वहाँ ना जाए। आप सुरक्षित रहेंगे, परिवार सुरक्षित रहेगा। रोते बिलखते ऐसे कई परिवार हैं जो सीधा उंगली सरकार पर उठाती है। सरकार राजनीति करने में मस्त, विपक्ष का आलोचना करने में मस्त। जनता कराह रही है, रो रही है, तड़प रही है, मर रही है, लेकिन सरकार सुध न लिया। बचना है तो स्वयं बचाना होगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को लाल बटन घंटी दबाकर सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरे इस वीडियो को, कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें और लाइक वीडियो को अवश्य कर दें। धन्यवाद।